अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुस्लिम विरोधी बयानों का असर अब अमेरिका में दिखने लगा है। हाल ही में कैलिफोर्निया की कई मस्जिदों को धमकी भरे पत्र मिले हैं जिनमें मुसलमानों के नरसंहार की बात कही गई है। पिछले कुछ दिनों में कैलिफोर्निया की कई मस्जिदों को भेजे गए नफरत भरे पत्रों में एक तरफ जहां मुसलमानों के खात्मे की बात की गई है तो वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधे गए हैं। इस घटना के बाद काउंसिल ऑन अमेरिकन इस्लामिक रिलेशंस ने स्थानीय मस्जिदों के लिए सुरक्षा बढ़ाने का आह्वान किया है। लॉस एंजलिस टाइम्स की माने तो हाथ से लिखे धमकी भरे पत्रों को शैतान के बच्चों को संबोधित किया गया है और मुसलमानों को नीच और गंदा करार दिया गया है। इसके साथ ही पत्र में लिखा है कि तुम लोगों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। बहरहाल FBI के नए आंकड़ों के अनुसार साल 2015 में मुस्लिम विरोधी घटनाओं में 67% का इजाफा हुआ है। पिछले साल मुसलमानों के खिलाफ पक्षपात के 257 मामले सामने आए थे जबकि 2014 में ऐसे मामलों की संख्या 154 थी। इस घटना के बाद से मुसलमानों में सुरक्षा को लेकर डर पैदा हो गया है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी रैलियों में मुसलमानों के खिलाफ जमकर जहर उगला था। देखते रहिए DB Live।